दोस्तों, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और इस लॉकडाउन में भी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही घर से बाहर निकल पा रहे हो और बोर हो रहे हो घर पे, तो कोई नई बात नहीं, मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको खुशी महसूस होगी। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इन फैक्ट्स को देखना शुरू करते हैं और इन अमेजिंग फैक्ट्स को देखकर हमारे अपने इस दिन को बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और दिमाग में कुछ समझदार बातों को रख लेते हैं ताकि आने वाले समय में काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इन फैक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लग जाए। आपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ट्रेंडिंग में चलते हुए ज़रूर देखा होगा। इस वीडियो पर कम से कम लाखों वीडियो बन चुकी है और इस ट्रेंड ने बहुत ही लोगों को हंसाया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप पहले इसे देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है, इसमें खास यह है कि यह ट्रेंड कई सालों पहले हो चुका है। देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरी शादी का जोड़ा है और ये है मेरे हस्बैंड। तो आपने देख ली इसके पीछे की सच्चाई। अब मैं चलता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रुको जरा, सबर करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस आगे आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इसीलिए समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, हमारा अमेजिंग फैक्ट्स जानने का समय शुरू हो गया है। अगर आपसे मैं यह पूछूं कि शादी से पहले रिंग सेरेमनी के समय रिंग हमेशा उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिंग सेरेमनी के समय रिंग हमेशा उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि उस उंगली का सीधा कनेक्शन हमारे दिल से होता है और दिल से जुड़े रहने के लिए ही उस अंगूठी को हमारे उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में पहनाया जाता है। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट टॉम एंड जेरी। नंबर वन फैक्ट, पॉपुलर एनिमल शो टॉम एंड जेरी का नाम जैस्पर और जिंक्स था, जिसमें उस शैतान बिल्ली का नाम जैस्पर था और चूहे का नाम जिंक्स था। लेकिन जब पहला एपिसोड बहुत हिट हो गया तो क्रिएटर ने करेक्टर का नाम बदलकर टॉम एंड जेरी रख दिया, जो कि लाइफ इन लंडन बुक के करेक्टर के नाम से रखा गया था। फैक्टर नंबर टू, अगर आप टॉम एंड जेरी शो के बहुत बड़े फैन हो तो आपको पता होगा कि इस शो में जो टॉम की ओनर होती है उसका चेहरा कभी नहीं दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, पूरे सीरीज में एक ही ऐसा एपिसोड है जिसका नाम सैटरडे इवनिंग बस था, उसमें वो ऑनर दिखाई गई थी। फैक्ट नंबर थ्री, टॉम एंड जेरी का ये शो बहुत कम लोगों ने देखा है, जो कि शो का लास्ट एपिसोड था जिसमें दोनों टॉम एंड जेरी ट्रेन के ट्रैक पर सुसाइड कर लेते हैं और मर जाते हैं, जो कि एक सच में एक सैड एंडिंग है। क्या आपने इस एपिसोड को देखा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दोस्तों, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और 2021 के सभी ट्रेंड ने भी थका दिया है और कुछ नया देखना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लग जाएगी और शायद आपका पेट दर्द भी होने लग जाए। अगर आपको थोड़ी सी खुशी आई इन वीडियो को देखकर तो हर किसी के पास शेयर कर देना ताकि हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए। आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए। रावण से लाख मड़ो पर बन सीता ने गदिया कौन गयो हला का मित्र, आ दुनिया एक मुंह माया को जाल है पर तू था हला। रावण सीता ने ज्यादा को दई बन, बस एक ही बात पूछी, मैं थाना सोला को है ओए बेटे बात कर दे हला। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर बहुत खुशी होगी, जहां आज हमारे समाज में बेटी को बोझ समझा जाता है, वहीं राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में निम्बोड़ी गांव के किसान मदनलाल प्रजापत के घर 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है, जो कि उनकी पोती है। और इस खुशी में बेटी को ननिहाल से घर तक हेलीकॉप्टर में लाया गया था। हेलीपैड की जगह से लेकर घर तक हर गली में फूल बिछा दिए गए। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या होगी। और मदनलाल प्रजापत ने अपने पूरे साल की फसल बेच दी ताकि बेटी का उत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा सके। मैं तो मदनलाल प्रजापत और उनके परिवार को दिल से सैल्यूट करता हूं, जो कि बेटी को इतना सम्मान देते हैं। उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी, और उनके लिए तो यह गर्व की बात होगी कि बेटी को इतना सम्मान दिया जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेटी को बोझ मत समझिए।
चलिए दोस्तों, हमारे अपने ओन फैक्ट का समय शुरू हो गया है। अगर आपसे मैं यह पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे महंगी नेल पॉलिश यानी नेल पेंट का क्या नाम है, अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे महंगी नेल पॉलिश का नाम एजुचस ब्लैक डायमंड्स है और जिसकी कीमत 2,50,000 डॉलर यानी भारतीय रुपए में 1,77,96,829 रुपये है। और फैशन लेडी डॉट इन की खबर के अनुसार इसके अंदर 267 कैरेट प्योर ब्लैक डायमंड्स होते हैं, जिस वजह से इसका दाम बहुत महंगा होता है। और अब भी कुछ लड़कियां इसे सोचकर ऐसा सोचती होंगी कि काश मुझे यह मिल जाए, और उन्हें शायद लगता है 2-3 दिन नींद नहीं आएगी इस नेल पॉलिश का नाम सुनकर। अगर हमारी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, एक नज़र हमारे इस फैक्ट्स पर भी डाल लीजिए। आप सभी बराक हुसैन ओबामा के बारे में तो अच्छे तरह से जानते होंगे और वे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं तथा अमीर आदमियों में से एक हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखते हैं तथा मूर्ति रखने के बारे में उन्होंने यह भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं उतना भी अंधविश्वासी नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें अपने पास रखूँ, फिर भी हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ रखता हूँ। उन्होंने कहा, जब मुझे थकान महसूस होती है या मैं परेशान हो जाता हूँ तो मैं अपनी जेब में हाथ डालकर कह सकता हूँ कि मैं इन सब मुसीबतों या परेशानियों से पार पा लूँगा। अगर हमारे वीडियो देखकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब पानी प्लास्टिक के बोतल में नहीं आएगा बल्कि बांस की लकड़ी से बनी बोतल में आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी? जी हां, यह सच है, सिक्किम राज्य ने इसकी पहल शुरू की है क्योंकि वहां हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और कचरा बहुत फैलाते हैं और कचरा फैलने की वजह से हजारों की संख्या में जीव जंतुओं की मौत हो जाती है और प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय हम ऑक्सीजन की कमी को भी बहुत महसूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हजारों की संख्या में लोगों की मौत एक दिन में हो जाती है। और इस बार COVID-19 ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाएं वहाँ पर कचरा न फैलाएं, उसके साफ रखें और हमारे नेचर को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। और कुछ इसे खरीदना चाहते होंगे और आपने सोशल मीडिया पर यह भी ज़रूर सुना होगा कि यार अगर मैं अपनी एक किडनी बेच दूँ तो आईफोन ज़रूर खरीद पाऊँगा, लेकिन वह तो मज़े के लिए बनाई गई थी। लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपको बता दूं कि चीन के 17 वर्षीय जाओ वांग ने अपनी किडनी बेच दी ताकि वह आईपैड और आईफोन खरीद सके। उसने आईफोन इसलिए खरीदा ताकि वह स्कूल में कूल लग सके। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जिस फैक्ट को सुनकर आपको अधिक नहीं तो कम से कम थोड़ा सा तो दुख ज़रूर महसूस होगा। आपको यह तो पता ही है कि बच्चे हमारे देश व समाज का उज्जवल भविष्य है और बच्चों को भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। और आप यह भी जानते हैं कि बच्चे दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हर रोज़ भूखमरी और गरीबी की वजह से 20,000 बच्चों की मौत हो जाती है। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके घर पर जब भी खाना बच जाए तो आप उसको फेंक कर वेस्ट ना करें, हो सके तो उसे किसी बच्चे को खिला दीजिए ताकि उस बच्चे का पेट भर जाए और वह बच्चा भूख से ना मरे। और अपनी तरफ से बच्चों के लिए पूरी सहायता कीजिएगा ताकि इन बच्चों का जीवन बच सके और यह भी अपने जीवन को पूरी तरह और अच्छी तरह से जी सके। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स। दोस्तों, आप सभी डॉक्टर्स को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। वह हमें नया जीवन प्रदान करते हैं तथा हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं। और आप यह भी जानते होंगे कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग होती है, इसके पीछे भी एक वजह होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल कितने लोगों की मौत हो जाती है? अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल 7,000 लोगों की मौत हो जाती है। उनकी मौत की वजह यह है कि वे डॉक्टर्स की लिखाई को समझ नहीं पाते और गलत मेडिसिन ले लेते हैं। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो सही लिखवाएं और सही मेडिसिन लेते हैं कि आपका भी जीवन बच सके। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।
ये दोस्तों आज आप लोगों को एक अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। जब भी आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत का जीभ निकाल कर करते हो, नहीं शायद ही ऐसा कोई करता होगा, लेकिन तिब्बत एक ऐसा देश है जहाँ पर मेहमानों का स्वागत जीभ निकाल कर यानी चिढ़ा कर किया जाता है, और हमारे इंडिया में तो यहाँ पर लोगों को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। दोस्तों आप सभी ने शहद तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खट्टा शहद खाया है? अब आप कहेंगे कि भाई खट्टा शहद कहाँ होता है जो खाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खट्टा शहद भी होता है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, वहाँ की मधुमक्खियाँ इसे बनाती है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, आगे ऐसे फैक्ट्स आते रहेंगे। थैंक्स। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के साथ साथ हमें मच्छर भी बहुत परेशान करेंगे। मच्छर के कारण से हमें खुजली भी बहुत आएगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, मच्छरों से तो बचना होगा। और आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मच्छरों के काटने से विभिन्न तरह की बीमारियां फैल जाती है और मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमें मादा मच्छर काटती है या नर मच्छर? अब आप कहेंगे कि मच्छर हमारे कान में आकर तो नहीं बताएगा कि मैं नर मच्छर हूँ या मादा मच्छर और आपको काट लूँ, नहीं शायद तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साइंस का कहना यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही हमें काटती है, नर मच्छर नहीं। नर मच्छर केवल मीठे पदार्थों का ही सेवन करता है। अगर आपका मीठा खून हुआ तो आपको नर मच्छर भी काट सकता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स। दोस्तों आप सभी हाई हील के सैंडल के बारे में तो ज़रूर जानती होंगी। लड़कियां इन सैंडल को पहनती हैं, लड़कियों के लिए यह तो एक प्रकार का ट्रेंड ही बन गया है। ज़्यादातर लड़कियां इन सैंडल को पहनना ही पसंद करती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो ये लड़कियां सैंडल पहनती हैं ये लड़कियों के लिए नहीं, दरअसल लड़कों के लिए बनाए गए थे ताकि लड़के इन्हें पहनकर और अधिक कूल और अट्रैक्टिव लग सके। क्या आप इन सैंडल को पहनना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लेकिन अब यह लड़कियां ही पहनती हैं, इससे पहले क्या आपको यह फैक्ट पता था? अगर नहीं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स। दोस्तों आज हम सभी के पास अपना अपना आधार कार्ड है और आधार कार्ड सभी के पास होना भी चाहिए, इसका बहुत ही महत्व है और इसके बिना तो हमारे काम भी अधूरे हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड एक महिला का बना था और उस महिला का नाम रंजना सोनावाने है और यह गांव में रहती है। इनका गांव तंबेली पुणे से 47 किलोमीटर दूर दराज के इलाके में है। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चलिए दोस्तों आज आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप सभी बिजली यानी लाइट के बारे में ज़रूर जानते हैं, लाइट की वजह से ही हमारी सभी मशीनें चलती हैं और हम उनसे काम करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर सभी गाँवों में पूर्णतः रूप से बिजली पहुँचा दी गई थी? अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप करके कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी और यह लक्ष्य 1970 में प्राप्त किया गया था। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के साथ साथ हमें धूप भी बहुत परेशान करेगी और धूप से हमें अधिक गर्मी भी लगेगी, लेकिन हमें उससे तो बचना होगा। और आपसे मैं यह सवाल पूछूं कि सूर्य की किरणों या सूर्य का कलर कौन सा है? तो आप में से सभी यही कहेंगे कि सूर्य का कलर येलो कलर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूर्य का कलर येलो नहीं है। अगर इसका कलर येलो होता है तो हम सभी अंधे हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य कलर येलो ना होकर वाइट कलर का होता है। अंतरिक्ष में से देखने पर सूर्य व्हाइट कलर का दिखाई देता है और साइंस भी यही कहती है कि सूर्य का कलर व्हाइट होता है। इसलिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स। चलिए दोस्तों आज आपके अंधेरे वाले दिमाग में थोड़ी सी रोशनी भर देते हैं। क्या आपको एटीएम की फुल फॉर्म पता है? डोंट वरी, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम एक तरह की मशीन है जिसकी सुविधा सबसे पहले 1967 लंदन में पाई गई और इसका आविष्कार जॉन शेपर्ड बैरन ने किया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।
सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन में बतौर पॉइंट्समैन काम करने वाले मयूर शेल के रातों रात देश के हीरो बन गए। पूरा देश उनकी बहादुरी का कायल हो गया है। एक नेत्रहीन माँ के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मयूर का वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। कई लोग बार बार उनके वीडियो को रिवाइंड करके देख रहे हैं और उनकी दिलेरी को सलाम कर रहे हैं। और ऐसा करने वालों में आम ही नहीं बेहद खास लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति भी मयूर के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे। कई लोगों ने तो मयूर को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जावा मोटरसाइकिल्स के डायरेक्टर अनुपम थरेजा और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी उनके फैन हो गए हैं। क्लासिक लेजेंड्स के हेड अनुपम थरेजा ने ऐलान किया कि वो जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत शिल्के को नई जावा मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर देंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पॉइंट्समैन मयूर शेलके के साहस ने जावा मोटरसाइकिल परिवार को उनके प्रति आदर भाव से भर दिया है। उनके अनुकरणीय शौर्य के आगे हम नतमस्तक हैं। ये वास्तव में लेजेंड्स वाला साहस है। हम इन बहादुर सज्जन को जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत एक जावा मोटरसाइकिल से सम्मानित करना चाहेंगे। आपको बता दें कि मयूर को जावा की जो भी मोटरसाइकिल दी जाएगी उसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी। और तलब है कि जावा मोटरसाइकिल महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व वाला ही एक ब्रांड है। ऐसे में अनुपम थरेजा की घोषणा के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी मयूर शेलके की जमकर तारीफ की। महिंद्रा तो वैसे भी बहादुरी के कारनामे करने वालों की अक्सर सोशल मीडिया पर तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने अनुपम थरेजा के ट्वीट को ही कोट करते हुए लिखा, मयूर शेलके के पास पोशाक या टोपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुपर हीरो की तुलना में अधिक साहस दिखाया। जावा परिवार की तरफ से हम सभी उन्हें सलाम करते हैं। मुश्किल समय में मयूर ने हमें दिखाया कि हमें बस अपने आसपास के लोगों को देखना होगा जो हमें एक बेहतर दुनिया की राह दिखाते हैं। वहीं रेलवे ने भी अपने इस बहादुर कर्मचारी की दिल खोलकर तारीफ करते हुए उन्हें 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। रेलवे के अलावा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने भी मयूर को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तो 19 अप्रैल को ही मयूर की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मैं मयूर शेलके की निस्वार्थ और अनुकरणीय वीरता को सलाम करता हूँ। रेलवे के इस पॉइंट्समैन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बच्चे की जान बचाई जो वांगणी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर गया था। मयूर, आपकी बहादुरी हम सभी को प्रेरित करती है। लेकिन इन तमाम तारीफों और इनामों से इतर मयूर को सबसे बड़ा आशीर्वाद उस नेत्रहीन माँ ने दिया जिसके बच्चे की जान मयूर ने बचाई थी। बच्चे की माँ संगीता शीर्षत ने कहा कि मयूर ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा। वो उनका एहसान कभी भूल नहीं पाएंगी। NBTE ऑनलाइन की रिपोर्ट। देश प्रदेश में जहां 21वीं सदी में भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, वहीं बाल विवाह, लड़कियों की अशिक्षा जैसी कई कुरीतियों के बीच राजस्थान के नागौर में एक मिसाल पेश कर दी गई है। दरअसल नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में एक छोटा सा गांव निम्बेड़ी चांदवता है। इस गांव में एक सामान्य किसान परिवार ने अपने घर में जन्मी बेटी का ऐसा जश्न मनाया कि आप भी जानकर इसे खुश हो जाएंगे। नागौर के किसान मदनलाल प्रजापत के घर 35 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ जो उनकी पोती सिद्धि है। इस जन्म की खुशी को पूरे परिवार ने अनूठे अंदाज में मनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बेटी को अपने ननिहाल से हेलीकॉप्टर में लाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ हेलीपैड से लेकर घर तक रास्ते में गांव वालों ने बच्ची के सम्मान में फूल बिछाए। इसके लिए बकायदा 10-12 दिन से तैयारियां की गई थी। बताया जा रहा है कि बेटी के पिता हनुमान प्रजापत और उनकी पत्नी चुका देवी बेटी को अपने ननिहाल हेलीकॉप्टर से लेकर आई। वहीं बुधवार को पहली बार दुर्गा नवमी के मौके पर उसका घर में प्रवेश करवाया गया। बच्ची का जन्म उसके ननिहाल हरसोल गांव में 3 मार्च को हुआ था।
मिली जानकारी के अनुसार गांव में अपने दादा के घर पहुंचने के बाद सिद्धि का बेहद भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड स्थल से लेकर घर तक पूरे रास्तों में फूलों की वर्षा हुई। वहीं बैंड बाजे गाजे बाजों के साथ उसका स्वागत सत्कार किया गया। सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी निम्बेड़ी चांद बता से बच्ची के ननिहाल हरसोल गांव पहुंचे थे। वहीं वहां से बिटिया को लेकर दोबारा घर की ओर रवाना हुए। इसी तरह लगभग 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से बिटिया अपने दादा के घर पहुंची, जहां उसकी सभी रस्में पूरी की गई। मैं मदनलाल बोलता हूँ। हमारे 35 साल बाद हमारे एक पोती हुई है। 35 साल पहले एक बच्ची थी, दूसरी बच्ची का इंतज़ार करते करते 20-25 साल निकल गया। अब हमारे 35 साल बाद में पोती हुई है। तो मैंने पहले सोचा था 20-25 साल बाद में पहले कि हमारे पोती हो जाए तो हम हेलीकॉप्टर से लाए और लाड प्यार करें और देश को भी मालूम पड़े कि बच्चियों के साथ कैसी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका ये कार्यक्रम रखने के लिए हमने ये रखा है। दोस्तों, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और इस लॉकडाउन में भी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही घर से बाहर निकल पा रहे हो और बोर हो रहे हो घर पे, तो कोई नई बात नहीं, मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको खुशी महसूस होगी। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इन फैक्ट्स को देखना शुरू करते हैं और इन अमेजिंग फैक्ट्स को देखकर हमारे अपने इस दिन को बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और दिमाग में कुछ समझदार बातों को रख लेते हैं ताकि आने वाले समय में काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इन फैक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लग जाए। आपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ट्रेंडिंग में चलते हुए जरूर देखा होगा। इस वीडियो पर कम से कम लाखों वीडियो बन चुकी है और इस ट्रेंड ने बहुत ही लोगों को हंसाया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप पहले इसे देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है। इसमें खास यह है कि यह ट्रेंड कई सालों पहले हो चुका है। देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरी शादी का जोड़ा है और ये है मेरे हस्बैंड। तो आपने देख ली इसके पीछे की सच्चाई। अब मैं चलता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रुको जरा, सबर करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस आगे आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इसीलिए समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, हमारा अमेजिंग फैक्ट्स जानने का समय शुरू हो गया है। अगर आपसे मैं यह पूछूं कि शादी से पहले रिंग सेरेमनी के समय रिंग हमेशा उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि रिंग सेरेमनी के समय रिंग हमेशा उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि उस उंगली का सीधा कनेक्शन हमारे दिल से होता है और दिल से जुड़े रहने के लिए ही उस अंगूठी को हमारे उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में पहनाया जाता है। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट टॉम एंड जेरी। नंबर वन फैक्ट, पॉपुलर एनिमल शो टॉम एंड जेरी का नाम जैस्पर और जिंक्स था, जिसमें उस शैतान बिल्ली का नाम जैस्पर था और चूहे का नाम जिंक्स था। लेकिन जब पहला एपिसोड बहुत हिट हो गया तो क्रिएटर ने करेक्टर का नाम बदलकर टॉम एंड जेरी रख दिया, जो कि लाइफ इन लंदन बुक के करेक्टर के नाम से रखा गया था। फैक्टर नंबर टू, अगर आप टॉम एंड जेरी शो के बहुत बड़े फैन हो तो आपको पता होगा कि इस शो में जो टॉम की ओनर होती है उसका चेहरा कभी नहीं दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, पूरे सीरीज में एक ही ऐसा एपिसोड है जिसका नाम सैटरडे इवनिंग बस था, उसमें वो ऑनर दिखाई गई थी। फैक्ट नंबर थ्री, टॉम एंड जेरी का ये शो बहुत कम लोगों ने देखा है, जो कि शो का लास्ट एपिसोड था जिसमें दोनों टॉम एंड जेरी ट्रेन के ट्रैक पर सुसाइड कर लेते हैं और मर जाते हैं, जो कि एक सच में एक सैड एंडिंग है। क्या आपने इस एपिसोड को देखा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दोस्तों, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और 2021 के सभी ट्रेंड ने भी थका दिया है और कुछ नया देखना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लग जाएगी और शायद आपका पेट दर्द भी होने लग जाए। अगर आपको थोड़ी सी खुशी आई इन वीडियो को देखकर तो हर किसी के पास शेयर कर देना ताकि हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए। आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए।
रावण से लाख मड़ो पर बन सीता ने गदिया कौन गयो खाना का मित्र आ दुनिया एक मुंह माया को जाल है पर तू बता खाना रावण सीता ने ज्यादा को दई बन बस एक ही बात पूछी मैं थाना सोला को है अरे बेटा मौज कर दे खाना दोस्तों आपको यह बात सुनकर बहुत खुशी होगी। जहां आज हमारे समाज में बेटी को बोझ समझा जाता है, वहीं राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में निम्बोड़ी गांव के किसान मदनलाल प्रजापत के घर 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है जो कि उनकी पोती है। और इस खुशी में बेटी को ननिहाल से घर तक हेलीकॉप्टर में लाया गया था। हेलीपैड की जगह से लेकर घर तक हर गली में फूल बिछा दिए गए। दोस्तों इससे बड़ी बात क्या होगी। और मदनलाल प्रजापत ने अपने पूरे साल की फसल बेच दी ताकि बेटी का उत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा सके। मैं तो मदनलाल प्रजापत और उनके परिवार को दिल से सैल्यूट करता हूं जो कि बेटी को इतना सम्मान देते हैं। उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। और उनके लिए तो यह गर्व की बात होगी कि बेटी को इतना सम्मान दिया जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेटी को बोझ मत समझिए। चलिए दोस्तों हमारे अपने ओन फैक्ट का समय शुरू हो गया है। अगर आपसे मैं यह पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे महंगी नेल पॉलिश यानी नेल पेंट का क्या नाम है, अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे महंगी नेल पॉलिश का नाम एजुचस ब्लैक डायमंड्स है और जिसकी कीमत $250,000 यानी भारतीय रुपये में 1,77,96,829 रुपये है। और fashionlady.in की खबर के अनुसार इसके अंदर 267 कैरेट प्योर ब्लैक डायमंड्स होते हैं जिस वजह से इसका दाम बहुत महंगा होता है। और अब भी कुछ लड़कियां इसे सोचकर ऐसा सोचती होंगी कि काश मुझे यह मिल जाए, और उन्हें शायद लगता है 2-3 दिन नींद नहीं आएगी इस नेल पॉलिश का नाम सुनकर। अगर हमारी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों एक नज़र हमारे इस फैक्ट्स पर भी डाल लीजिए। आप सभी बराक हुसैन ओबामा के बारे में तो अच्छे तरह से जानते होंगे और वे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं तथा अमीर आदमियों में से एक हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखते हैं तथा मूर्ति रखने के बारे में उन्होंने यह भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं उतना भी अंधविश्वासी नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें अपने पास रखूँ, फिर भी हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ रखता हूँ। उन्होंने कहा जब मुझे थकान महसूस होती है या मैं परेशान हो जाता हूँ तो मैं अपनी जेब में हाथ डालकर कह सकता हूँ कि मैं इन सब मुसीबतों या परेशानियों से पार पा लूँगा। अगर हमारी वीडियो देखकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि अब पानी प्लास्टिक के बोतल में नहीं आएगा बल्कि बांस की लकड़ी से बनी बोतल में आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी। जी हां यह सच है, सिक्किम राज्य ने इसकी पहल शुरू की है क्योंकि वहां हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और कचरा बहुत फैलाते हैं और कचरा फैलने की वजह से हजारों की संख्या में जीव जंतुओं की मौत हो जाती है और प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय हम ऑक्सीजन की कमी को भी बहुत महसूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हजारों की संख्या में लोगों की मौत एक दिन में हो जाती है। और इस बार COVID-19 ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाएं वहाँ पर कचरा न फैलाएं, उसके साफ रखें। और हमारे नेता से उसने आईफोन इसलिए खरीदा ताकि वो सुनकर आपको अधिक नहीं तो कम से कम थोड़ा सा तो दुख जरूर महसूस होगा। आपको यह तो पता ही है कि बच्चे हमारे देश व समाज का उज्जवल भविष्य है और बच्चों को भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। और आप यह भी जानते हैं कि बच्चे दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हर रोज़ भूखमरी और गरीबी की वजह से 20,000 बच्चों की मौत हो जाती है। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके घर पर जब भी खाना बच जाए तो आप उसको फेंक कर वेस्ट ना करें, हो सके तो उसे किसी बच्चे को खिला दीजिए ताकि उस बच्चे का पेट भर जाए और वह बच्चा भूख से ना मरे। और अपनी तरफ से बच्चों के लिए पूरी सहायता कीजिएगा ताकि इन बच्चों का जीवन बच सके और यह भी अपने जीवन को पूरी तरह और अच्छी तरह से जी सके। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।
दोस्तों आप सभी डॉक्टर्स को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। वह हमें नया जीवन प्रदान करते हैं तथा हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं। और आप यह भी जानते होंगे कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग होती है, इसके पीछे भी एक वजह होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल कितने लोगों की मौत हो जाती है? अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल 7,000 लोगों की मौत हो जाती है। उनकी मौत की वजह यह है कि वे डॉक्टर्स की लिखाई को समझ नहीं पाते और गलत मेडिसिन ले लेते हैं। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो सही लिखवाएं और सही मेडिसिन लेते हैं कि आपका भी जीवन बच सके। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक्स जी। दोस्तों आज आप लोगों को एक अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। जब भी आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत का जीभ निकाल कर करते हो। नहीं, शायद ही ऐसा कोई करता होगा, लेकिन तिब्बत एक ऐसा देश है जहाँ पर मेहमानों का स्वागत जीभ निकाल कर यानी चिढ़ा कर किया जाता है। और हमारे इंडिया में तो यहाँ पर लोगों को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स। दोस्तों आप सभी ने शहद तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खट्टा शहद खाया है? अब आप कहेंगे कि भाई खट्टा शहद कहाँ होता है जो खाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खट्टा शहद भी होता है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। वहाँ की मधुमक्खियाँ इसे बनाती है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ऐसे फैक्ट्स आते रहेंगे। थैंक्स। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के साथ साथ हमें मच्छर भी बहुत परेशान करेंगे। मच्छर के कारण से हमें खुजली भी बहुत आएगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, मच्छरों से तो बचना होगा। और आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मच्छरों के काटने से विभिन्न तरह की बीमारियां फैल जाती है और मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमें मादा मच्छर काटती है या नर मच्छर? अब आप कहेंगे कि मच्छर हमारे कान में आकर तो नहीं बताएगा कि मैं नर मच्छर हूँ या मादा मच्छर और आपको काट लूँ। नहीं, शायद तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साइंस का कहना यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही हमें काटती है, नर मच्छर नहीं। नर मच्छर केवल मीठे पदार्थों का ही सेवन करता है। अगर आपका मीठा खून हुआ तो आपको नर मच्छर भी काट सकता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स। दोस्तों आप सभी हाई हील के सैंडल के बारे में तो ज़रूर जानती होंगी। लड़कियां इन सैंडल को पहनती हैं। लड़कियों के लिए यह तो एक प्रकार का ट्रेंड ही बन गया है। ज़्यादातर लड़कियाँ इन सैंडल को पहनना ही पसंद करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो ये लड़कियाँ सैंडल पहनती हैं ये लड़कियों के लिए नहीं, दरअसल लड़कों के लिए बनाए गए थे ताकि लड़के इन्हें पहनकर और अधिक कूल और अट्रैक्टिव लग सके। क्या आप इन सैंडल को पहनना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लेकिन अब यह लड़कियां ही पहनती हैं। इससे पहले क्या आपको यह फैक्ट पता था? अगर नहीं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स। दोस्तों आज हम सभी के पास अपना अपना आधार कार्ड है और आधार कार्ड सभी के पास होना भी चाहिए। इसका बहुत ही महत्व है और इसके बिना तो हमारे काम भी अधूरे हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड एक महिला का बना था और उस महिला का नाम रंजना सोनावाने है और यह गांव में रहती है। इनका गाँव टम्बेली पुणे से 47 किलोमीटर दूर दराज के इलाके में है। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चलिए दोस्तों आज आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप सभी बिजली यानी लाइट के बारे में ज़रूर जानते हैं। लाइट की वजह से ही हमारी सभी मशीनें चलती हैं और हम उनसे काम करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर सभी गाँवों में पूर्णतः रूप से बिजली पहुँचा दी गई थी? अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप करके कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी और यह लक्ष्य 1970 में प्राप्त किया गया था। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के साथ साथ हमें धूप भी बहुत परेशान करेगी और धूप से हमें अधिक गर्मी भी लगेगी, लेकिन हमें उससे तो बचना होगा। और आपसे मैं यह सवाल पूछूं कि सूर्य की किरणों या सूर्य का कलर कौन सा है? तो आप में से सभी यही कहेंगे कि सूर्य का कलर येलो कलर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सूर्य का कलर येलो नहीं है। अगर इसका कलर येलो होता है तो हम सभी अंधे हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि सूर्य कलर येलो ना होकर वाइट कलर का होता है।
अंतरिक्ष में से देखने पर सूर्य व्हाइट कलर का दिखाई देता है और साइंस भी यही कहती है कि सूर्य का कलर व्हाइट होता है। इसलिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स। चलिए दोस्तों, आज आपके अंधेरे वाले दिमाग में थोड़ी सी रोशनी भर देते हैं। क्या आपको एटीएम की फुल फॉर्म पता है? डोंट वरी, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम एक तरह की मशीन है जिसकी सुविधा सबसे पहले 1967 लंदन में पाई गई और इसका आविष्कार जॉन शेपर्ड बैरन ने किया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन में बतौर पॉइंट्समैन काम करने वाले मयूर शेल के रातों रात देश के हीरो बन गए। पूरा देश उनकी बहादुरी का कायल हो गया है। एक नेत्रहीन माँ के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मयूर का वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। कई लोग बार बार उनके वीडियो को रिवाइंड करके देख रहे हैं और उनकी दिलेरी को सलाम कर रहे हैं, और ऐसा करने वालों में आम ही नहीं बेहद खास लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति भी मयूर के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे। कई लोगों ने तो मयूर को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जावा मोटरसाइकिल्स के डायरेक्टर अनुपम थरेजा और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी उनके फैन हो गए हैं। क्लासिक लेजेंड्स के हेड अनुपम थरेजा ने ऐलान किया कि वो जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत शेल्के को नई जावा मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर देंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पॉइंट्समैन मयूर शेल्के के साहस ने जावा मोटरसाइकिल परिवार को उनके प्रति आदर भाव से भर दिया है। उनके अनुकरणीय शौर्य के आगे हम नतमस्तक हैं। ये वास्तव में लेजेंड्स वाला साहस है। हम इन बहादुर सज्जन को जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत एक जावा मोटरसाइकिल से सम्मानित करना चाहेंगे। आपको बता दें कि मयूर को जावा की जो भी मोटरसाइकिल दी जाएगी उसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी। और तलब है कि जावा मोटरसाइकिल महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व वाला ही एक ब्रांड है। ऐसे में अनुपम थरेजा की घोषणा के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी मयूर शेल्के की जमकर तारीफ की। महिंद्रा तो वैसे भी बहादुरी के कारनामे करने वालों की अक्सर सोशल मीडिया पर तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने अनुपम थरेजा के ट्वीट को ही कोट करते हुए लिखा, मयूर शेल्के के पास पोशाक या टोपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुपर हीरो की तुलना में अधिक साहस दिखाया। जावा परिवार की तरफ से हम सभी उन्हें सलाम करते हैं। मुश्किल समय में मयूर ने हमें दिखाया कि हमें बस अपने आसपास के लोगों को देखना होगा जो हमें एक बेहतर दुनिया की राह दिखाते हैं। वहीं रेलवे ने भी अपने इस बहादुर कर्मचारी की दिल खोलकर तारीफ करते हुए उन्हें 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। रेलवे के अलावा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने भी मयूर को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तो 19 अप्रैल को ही मयूर की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मैं मयूर शेल्के की निस्वार्थ और अनुकरणीय वीरता को सलाम करता हूँ। रेलवे के इस पॉइंट्समैन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बच्चे की जान बचाई जो वांगणी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर गया था। मयूर, आपकी बहादुरी हम सभी को प्रेरित करती है। लेकिन इन तमाम तारीफों और इनामों से इतर मयूर को सबसे बड़ा आशीर्वाद उस नेत्रहीन माँ ने दिया जिसके बच्चे की जान मयूर ने बचाई थी। बच्चे की माँ संगीता शीर्षत ने कहा कि मयूर ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा, वो उनका एहसान कभी भूल नहीं पाएंगी। NBTE ऑनलाइन की रिपोर्ट। दोस्तों, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और इस लॉकडाउन में भी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही घर से बाहर निकल पा रहे हो और बोर हो रहे हो घर पे, तो कोई नई बात नहीं, मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको खुशी महसूस होगी। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इन फैक्ट्स को देखना शुरू करते हैं और इन अमेजिंग फैक्ट्स को देखकर हमारे अपने इस दिन को बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और दिमाग में कुछ समझदार बातों को रख लेते हैं ताकि आने वाले समय में काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इन फैक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लग जाए। आपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ट्रेंडिंग में चलते हुए जरूर देखा होगा। इस वीडियो पर कम से कम लाखों वीडियो बन चुकी है और इस ट्रेंड ने
बहुत ही लोगों को हंसाया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप पहले इसे देख लीजिए। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है, इसमें खास ये है कि ये ट्रेंड कई सालों पहले हो चुका है। देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरी शादी का जोड़ा है और ये है मेरे हस्बैंड। तो आपने देख ली इसके पीछे की सच्चाई। अब मैं चलता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रुको जरा, सबर करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस आगे आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इसीलिए समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, हमारा अमेजिंग फैक्ट्स जानने का समय शुरू हो गया है। अगर आपसे मैं यह पूछूं कि शादी से पहले रिंग सेरेमनी के समय रिंग हमेशा उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिंग सेरेमनी के समय रिंग हमेशा उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि उस उंगली का सीधा कनेक्शन हमारे दिल से होता है और दिल से जुड़े रहने के लिए ही उस अंगूठी को हमारे उल्टे हाथ की तीसरे नंबर की उंगली में पहनाया जाता है। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट टॉम एंड जेरी। नंबर वन फैक्ट, पॉपुलर एनिमल शो टॉम एंड जेरी का नाम जैस्पर और जिंक्स था, जिसमें उस शैतान बिल्ली का नाम जैस्पर था और चूहे का नाम जिंक्स था। लेकिन जब पहला एपिसोड बहुत हिट हो गया तो क्रिएटर ने करेक्टर का नाम बदलकर टॉम एंड जेरी रख दिया, जो कि लाइफ इन लंडन बुक के करेक्टर के नाम से रखा गया था। फैक्टर नंबर टू, अगर आप टॉम एंड जेरी शो के बहुत बड़े फैन हो तो आपको पता होगा कि इस शो में जो टॉम की ओनर होती है उसका चेहरा कभी नहीं दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, पूरे सीरीज में एक ही ऐसा एपिसोड है जिसका नाम सैटरडे इवनिंग बस था, उसमें वो ऑनर दिखाई गई थी। फैक्ट नंबर थ्री, टॉम एंड जेरी का ये शो बहुत कम लोगों ने देखा है, जो कि शो का लास्ट एपिसोड था जिसमें दोनों टॉम एंड जेरी ट्रेन के ट्रैक पर सुसाइड कर लेते हैं और मर जाते हैं, जो कि एक सच में एक सैड एंडिंग है। क्या आपने इस एपिसोड को देखा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दोस्तों, घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और 2021 के सभी ट्रेंड ने भी थका दिया है और कुछ नया देखना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लग जाएगी और शायद आपका पेट दर्द भी होने लग जाए। अगर आपको थोड़ी सी खुशी आई इन वीडियो को देखकर तो हर किसी के पास शेयर कर देना ताकि हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए। आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए। रावण से लाख मड़ो पर बन सीता ने दिया कौन गयो क्या ना का मित्र आ दुनिया एक मुंह माया को जाल है पर तू बता क्या ना रावण सीता ने ज्यादा को दई बन बस एक ही बात पूछी मैं थाना सोला को ए ओए एटा बाज कर दे क्या ना। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर बहुत खुशी होगी, जहां आज हमारे समाज में बेटी को बोझ समझा जाता है, वहीं राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में निम्बोड़ी गांव के किसान मदनलाल प्रजापत के घर 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है, जो कि उनकी पोती है। और इस खुशी में बेटी को ननिहाल से घर तक हेलीकॉप्टर में लाया गया था। हेलीपैड की जगह से लेकर घर तक हर गली में फूल बिछा दिए गए। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या होगी। और मदनलाल प्रजापत ने अपने पूरे साल की फसल बेच दी ताकि बेटी का उत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा सके। मैं तो मदनलाल प्रजापत और उनके परिवार को दिल से सैल्यूट करता हूं, जो कि बेटी को इतना सम्मान देते हैं। उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी, और उनके लिए तो यह गर्व की बात होगी कि बेटी को इतना सम्मान दिया जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेटी को बोझ मत समझिए। चलिए दोस्तों, हमारे अपने ओन फैक्ट का समय शुरू हो गया है। अगर आपसे मैं यह पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे महंगी नेल पॉलिश यानी नेल पेंट का क्या नाम है, अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे महंगी नेल पॉलिश का नाम एजुचस ब्लैक डायमंड्स है और जिसकी कीमत $250,000 यानी भारतीय रुपये में 1,77,96,829 रुपये है। और फैशन लेडी डॉट इन की खबर के अनुसार इसके अंदर 267 कैरेट प्योर ब्लैक डायमंड्स होते हैं, जिस वजह से इसका दाम बहुत महंगा होता है। और अब भी कुछ लड़कियां इसे सोचकर ऐसा सोचती होगी कि काश मुझे यह मिल जाए, और उन्हें शायद लगता है 2-3 दिन नींद नहीं आएगी इस नेल पॉलिश का नाम सुनकर। अगर हमारी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों एक नज़र हमारे इस फैक्ट्स पर भी डाल लीजिए। आप सभी बराक हुसैन ओबामा के बारे में तो अच्छे तरह से जानते होंगे और वे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं तथा अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखते हैं तथा मूर्ति रखने के बारे में उन्होंने यह भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं उतना भी अंधविश्वासी नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें अपने पास रखूँ, फिर भी हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ रखता हूँ। उन्होंने कहा जब मुझे थकान महसूस होती है या मैं परेशान हो जाता हूँ तो मैं अपनी जेब में हाथ डालकर कह सकता हूँ कि मैं इन सब मुसीबतों या परेशानियों से पार पा लूँगा। अगर हमारी वीडियो देखकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि अब पानी प्लास्टिक के बोतल में नहीं आएगा बल्कि बांस की लकड़ी से बनी बोतल में आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी? जी हाँ, यह सच है, सिक्किम राज्य ने इसकी पहल शुरू की है क्योंकि वहां हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और कचरा बहुत फैलाते हैं और कचरा फैलने की वजह से हजारों की संख्या में जीव जंतुओं की मौत हो जाती है और प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा होता है और इस समय हम ऑक्सीजन की कमी को भी बहुत महसूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हजारों की संख्या में लोगों की मौत एक दिन में हो जाती है और इस बार COVID-19 ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाएं वहाँ पर कचरा न फैलाएं उसके लेकिन वह तो मज़े के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपको बता दूँ कि चीन के 17 वर्षीय जाओ वांग ने अपनी किडनी बेच दी ताकि वह आईपैड और आईफोन खरीद सके। उसने आईफोन इसलिए खरीदा ताकि वह स्कूल में कूल लग सके और अपने तो कम से कम थोड़ा सा तो दुख जरूर महसूस होगा। आपको यह तो पता ही है कि बच्चे हमारे देश व समाज का उज्जवल भविष्य है और बच्चों को भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है और आप यह भी जानते हैं कि बच्चे दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि हर रोज़ भूखमरी और गरीबी की वजह से 20,000 बच्चों की मौत हो जाती है और आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके घर पर जब भी खाना बच जाए तो आप उसको फेंक कर वेस्ट ना करें, हो सके तो उसे किसी बच्चे को खिला दीजिए ताकि उस बच्चे का पेट भर जाए और वह बच्चा भूख से ना मरे और अपनी तरफ से बच्चों के लिए पूरी सहायता कीजिएगा ताकि इन बच्चों का जीवन बच सके और यह भी अपने जीवन को पूरी तरह और अच्छी तरह से जी सके। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स। दोस्तों आप सभी डॉक्टर्स को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, वह हमें नया जीवन प्रदान करते हैं तथा हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं। और आप यह भी जानते होंगे कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग होती है, इसके पीछे भी एक वजह होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल कितने लोगों की मौत हो जाती है? अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर्स की ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल 7,000 लोगों की मौत हो जाती है। उनकी मौत की वजह यह है कि वे डॉक्टर्स की लिखाई को समझ नहीं पाते और गलत मेडिसिन ले लेते हैं। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो सही लिखवाएं और सही मेडिसिन लें ताकि आपका भी जीवन बच सके। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करें। थैंक्स। ये दोस्तों आज आप लोगों को एक अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। जब भी आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत का जीभ निकाल कर करते हो? नहीं, शायद ही ऐसा कोई करता होगा, लेकिन तिब्बत एक ऐसा देश है जहाँ पर मेहमानों का स्वागत जीभ निकाल कर यानी चिढ़ा कर किया जाता है और हमारी इंडिया में तो यहाँ पर लोगों को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स। दोस्तों आप सभी ने शहद तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खट्टा शहद खाया है? अब आप कहेंगे कि भाई खट्टा शहद कहाँ होता है जो खाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खट्टा शहद भी होता है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, वहाँ की मधुमक्खियाँ इसे बनाती है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, आगे ऐसे फैक्ट्स आते रहेंगे। थैंक्स। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के साथ साथ हमें मच्छर भी बहुत परेशान करेंगे। मच्छर के कारण से हमें खुजली भी बहुत आएगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, मच्छरों से तो बचना होगा। और आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मच्छरों के काटने से विभिन्न तरह की बीमारियां फैल जाती है और मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमें मादा मच्छर काटती है या नर मच्छर? अब आप कहेंगे कि मच्छर हमारे कान में आकर तो नहीं बताएगा कि मैं नर मच्छर हूँ या मादा मच्छर और आपको काट लूँ? नहीं, शायद तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साइंस का कहना यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही हमें काटती है, नर मच्छर नहीं।
नर मच्छर केवल मीठे पदार्थों का ही सेवन करता है। अगर आपका मीठा खून हुआ तो आपको नर मच्छर भी काट सकता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, आप सभी हाइग हील के सैंडल के बारे में तो ज़रूर जानती होंगी। लड़कियां इन सैंडल को पहनती हैं। लड़कियों के लिए यह तो एक प्रकार का ट्रेंड ही बन गया है। ज़्यादातर लड़कियां इन सैंडल को पहनना ही पसंद करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो ये लड़कियां सैंडल पहनती हैं, ये लड़कियों के लिए नहीं, दरअसल लड़कों के लिए बनाए गए थे, ताकि लड़के इन्हें पहनकर और अधिक कूल और अट्रैक्टिव लग सके। क्या आप इन सैंडल को पहनना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लेकिन अब यह लड़कियां ही पहनती हैं। इससे पहले क्या आपको यह फैक्ट पता था? अगर नहीं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स। दोस्तों, आज हम सभी के पास अपना अपना आधार कार्ड है और आधार कार्ड सभी के पास होना भी चाहिए। इसका बहुत ही महत्व है और इसके बिना तो हमारे काम भी अधूरे हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड एक महिला का बना था और उस महिला का नाम रंजना सोनावाने है और यह गांव में रहती है। इनका गांव तंबेली पुणे से 47 किलोमीटर दूर दराज के इलाके में है। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप सभी बिजली यानी लाइट के बारे में ज़रूर जानते हैं। लाइट की वजह से ही हमारी सभी मशीनें चलती हैं और हम उनसे काम करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जहां पर सभी गांवों में पूर्णतः रूप से बिजली पहुंचा दी गई थी? अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप करके कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी और यह लक्ष्य 1970 में प्राप्त किया गया था। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के साथ साथ हमें धूप भी बहुत परेशान करेगी और धूप से हमें अधिक गर्मी भी लगेगी, लेकिन हमें उससे तो बचना होगा। और आपसे मैं यह सवाल पूछूं कि सूर्य की किरणों या सूर्य का कलर कौन सा है? तो आप में से सभी यही कहेंगे कि सूर्य का कलर येलो कलर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूर्य का कलर येलो नहीं है। अगर इसका कलर येलो होता है तो हम सभी अंधे हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य कलर येलो ना होकर वाइट कलर का होता है। अंतरिक्ष में से देखने पर सूर्य वाइट कलर का दिखाई देता है और साइंस भी यही कहती है कि सूर्य का कलर वाइट होता है। इसलिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स। चलिए दोस्तों, आज आपके अंधेरे वाले दिमाग में थोड़ी सी रोशनी भर देते हैं। क्या आपको एटीएम की फुल फॉर्म पता है? डोंट वरी, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम एक तरह की मशीन है जिसकी सुविधा सबसे पहले 1967 लंदन में पाई गई और इसका आविष्कार जॉन शेपर्ड बैरन ने किया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन में बतौर पॉइंट्समैन काम करने वाले मयूर शेल के रातों रात देश के हीरो बन गए। पूरा देश उनकी बहादुरी का कायल हो गया है। एक नेत्रहीन मां के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मयूर का वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। कई लोग बार बार उनके वीडियो को रिवाइंड करके देख रहे हैं और उनकी दिलेरी को सलाम कर रहे हैं। और ऐसा करने वालों में आम ही नहीं, बेहद खास लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति भी मयूर के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे। कई लोगों ने तो मयूर को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जावा मोटरसाइकिल्स के डायरेक्टर अनुपम थरेजा और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी उनके फैन हो गए हैं। क्लासिक लेजेंड्स के हेड अनुपम थरेजा ने ऐलान किया कि वो जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत शेल्के को नई जावा मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर देंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पॉइंट्समैन मयूर शेल्के के साहस ने जावा मोटरसाइकिल परिवार को उनके प्रति आदर भाव से भर दिया है। उनके अनुकरणीय शौर्य के आगे हम नतमस्तक हैं। ये वास्तव में लेजेंड्स वाला साहस है।
हम इन बहादुर सज्जन को जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत एक जावा मोटरसाइकिल से सम्मानित करना चाहेंगे। आपको बता दें कि मयूर को जावा की जो भी मोटरसाइकिल दी जाएगी उसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी और तलब है कि जावा मोटरसाइकिल महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व वाला ही एक ब्रांड है। ऐसे में अनुपम थरेजा की घोषणा के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी मयूर शेल्के की जमकर तारीफ की। महिंद्रा तो वैसे भी बहादुरी के कारनामे करने वालों की अक्सर सोशल मीडिया पर तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने अनुपम थरेजा के ट्वीट को ही कोट करते हुए लिखा, मयूर शेल्के के पास पोशाक या टोपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुपर हीरो की तुलना में अधिक साहस दिखाया। जावा परिवार की तरफ से हम सभी उन्हें सलाम करते हैं। मुश्किल समय में मयूर ने हमें दिखाया कि हमें बस अपने आसपास के लोगों को देखना होगा जो हमें एक बेहतर दुनिया की राह दिखाते हैं। वहीं रेलवे ने भी अपने इस बहादुर कर्मचारी की दिल खोलकर तारीफ करते हुए उन्हें 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। रेलवे के अलावा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने भी मयूर को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तो 19 अप्रैल को ही मयूर की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मैं मयूर शेल्के की निस्वार्थ और अनुकरणीय वीरता को सलाम करता हूँ। रेलवे के इस पॉइंट्समैन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बच्चे की जान बचाई जो वांगणी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर गया था। मयूर, आपकी बहादुरी हम सभी को प्रेरित करती है। लेकिन इन तमाम तारीफों और इनामों से इतर मयूर को सबसे बड़ा आशीर्वाद उस नेत्रहीन माँ ने दिया जिसके बच्चे की जान मयूर ने बचाई थी। बच्चे की माँ संगीता शीर्षत ने कहा कि मयूर ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा, वो उनका एहसान कभी भूल नहीं पाएंगी। NBTU ऑनलाइन की रिपोर्ट।